तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल संजीव फैंटेसी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट लीग T10 का मैच जो फ्रेंड्स खेला जाएगा प्रैग्वे सीसी और हुडिंगे के बीच में। फ्रेंड्स, ये जो मैच है ना, काफ़ी बढ़िया मैच है और फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ी मैच होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके इस मैच के लिए कौन से बेस्ट ग्रैंड लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट स्मॉल लीग का पिक्स हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, कौन से आपके बेस्ट फैंटेसी टीम हो सकता है जिससे कि बीसी ग्रैंड लीग में रैंक वन ला सको। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में हर एक प्लेयर्स के बारे में डीपली कवर किया है कि कौन सा प्लेयर आज के मैच में चलेगा, कौन सा प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होगा, कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा, सभी चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखना एंड तक, इसकी बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ पर 5000 का फ्रेंड्स मैंने रखा है गिव अवे। गाइस, मैं बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा, वो सिंपल सा, उस सवाल का जवाब देना है। फ्रेंड्स, मैंने सवाल वीडियो के मिडिल में या फिर एंड में कहीं पर ही पूछा है, तो वीडियो को देखो एंड तक, सवाल का जवाब दो और फ्रेंड्स मौका है बिल्कुल फ्री में 5000 विन करने का, इसको मत गाओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड्स आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फ्रेंड्स, आप जाकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं वहाँ पर डेली T10, T20, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी सभी मैच कवर करता हूँ और फ्रेंड्स मैं सभी में बैक टू बैक अल्ट्रा क्लीनशिप कराता हूँ। फ्रेंड्स, मैं वो गारंटी देता हूँ, आप जाकर के मेरे टीम से खेलिए। फ्रेंड्स, आपका मैं सारा लॉस कवर करा दूँगा, साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं प्रॉफिट भी करा दूँगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सोमेश, अनुराग जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं फ्रेंड्स, उससे बेटर मैं टीम देता हूँ। एक बार जाकर ज्वाइन कर लो, चेक करो, उसके बाद में आप लोग खेलना, वरना आप लोग मेरी टीम से मत खेलना, ठीक है। तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो बिल्कुल फ्री में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का। देखिए सर, फ्रेंड्स हम लोग, हमारा दोस्तों यहाँ पर टारगेट रहेगा इस मैच में गाइस 49 रुपीज़ लगा कर टारगेट रहेगा फिर हमारा 3.5 लाख विन करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रिएट टीम पर क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर टीम बनाने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हमको टीम बनाने से पहले हमको स्टेट्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब तक हम लोग स्टेट्स नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हमारा टीम सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो स्टेट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंपल सा यहाँ पर गाइड में क्लिक करूँगा, ठीक है, गाइड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैच स्टेट्स दिखा रहा है, वो स्टेट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर दोस्त दिखा रहा है पिछला 5 मैच गाइस, यहाँ पर WIM ने यहाँ पर 4 में से 3 मैच विन किया है, ठीक है, और पिछले 5 में से 4 मैच विन किया HOR ने। तो भाई दोनों टीम्स ठीक ठाक, दोनों का पलटा ठीक ठाक मुझे यहाँ पर लग रहा है। उनका थोड़ा रिसेंट मैच देखा जा अच्छे से डिटेल्स में, तो भाई यहाँ पर क्या नाम इसका, WIM ने भाई 137, 183, वो 114 भाई इसने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रन किया। चेस भी यहाँ पर देखिए, चेस भी काफ़ी इसने आसानी से चेस भी किया है, डिफेंड भी किया है, तो काफ़ी कमाल के फॉर्म में सिर्फ एक ही मैच यहाँ पर लॉस किया है इसने, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये वाला मैच इसने लॉस किया, बाकी सारा मैच यहाँ इसने विन ही किया, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो भी लॉस किसके खिलाफ किया दोस्तों, प्रैग्यू के खिलाफ ही लॉस किया, यानी कि जिस टीम से मैच हो रहा है इसका उसी के खिलाफ ही इसने लॉस किया, बाकी टीम से इसने विन ही किया, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट हमारा, अब देखिए वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो भाई वेन्यू पिच बैटिंग काफ़ी अच्छा है, गुड फॉर पेसर्स है, वेदर सनी, तो भाई वेदर में बारिश वगैरह नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और पिच बैटिंग काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। अब गाइस बात करें यहाँ पर रिसेंट पिछले 5 T10 का रिकॉर्ड का, तो भाई यहाँ पर जो स्कोर बनता है एवरेज फर्स्ट इनिंग 131 का है, और फ्रेंड्स अभी तक यहाँ पर 51 विकेट गिर चुका है, जहाँ पर लिया 40 विकेट पेसर्स ने और 11 विकेट स्पिनर्स ने। तो आपको ज़्यादातर पेसर्स को टीम में लेकर चलना है, ठीक है। थोड़ा और बात कर डिटेल से बात करते हैं थोड़ा सा और, तो भाई यहाँ पर देखते हैं पिछले 5 साल का टॉस में यार, जो टीम पहले टॉस कर बैटिंग किया उसने यहाँ पर 53% मैच विन किया है, और जो टीम पहले बाद में बॉलिंग किया उसने यहाँ पर क्या बॉलिंग उसने 47% यानी कि विन किया। तो भाई यार चांस है कि यार, ठीक है, बैटिंग बोलने से कुछ खास कहीं फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा भाई आपको टीम से, कौन टीम कितना स्ट्रांग है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं इनका हेड टू हेड का, तो भाई पिछले 5 साल दोस्तों एक ही T10 मैच हुआ है दोनों बीच में, और फ्रेंड्स को WIM ने विन यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और फ्रेंड्स इनका टॉप पिक्स देखा जाए हेड टू हेड, तो भाई टॉप में दोस्तों आपका एन लाला जो काफ़ी कमाल के फॉर्म में दोस्तों, कल भी इसने काफ़ी अच्छे बैटिंग किया था, ठीक है, और टी जुआ जो कि इधर से है, ठीक है, और यहाँ पर एस विकम अक्सकरा ये है, उसके बाद में एस रहमानी है, ए खातीवाला और एस अहमद, जो कि फ्रेंड तीन आपको 6 प्लेयर्स आपको तीनों दोनों टीम से बहुत ही बढ़िया, दोनों का वो टीम में मोस्ट पिक इसको ट्राई करना ही करना, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको 6 में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से बैटिंग ऑर्डर, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। फ्रेंड्स जो बैटिंग ऑर्डर दिखाता गाइस
फ्रेंड्स आपको ओपन करेंगे दाविजी अशोकन ये सब आपको दिखा रहा है, तीन नंबर कौन कौन बैटिंग कहाँ पर करने आएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने जैसे देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख लो और इसके साथ टीम बनाना, ठीक है। बाकी यही आपका, ठीक है। टोटल पॉइंट देखा जाए तो किसने कितना पॉइंट दिया पूरा सीरीज में, पिछले पाँच में से गाइस देखा जाए किसने कितना पॉइंट दिया, तो इन लाइन टॉप आपको दिख रहा टॉप थ्री प्लेयर्स को देख सकते हो यहाँ पर, जो कि मैंने बोला छः प्लेयर्स आपको मस्ट पिक है, ठीक है। और टॉप फाइव को देखा जाए तो यहाँ पर आर तोमार है, जुवाइक है, ये सब आपको एन बालूच है, फ्रेंड्स आपको सब दिख रहा टॉप जिसने परफॉर्मेंस करके दिया था, ठीक है। तो आप इस यहाँ पर ये सब देख लो अच्छे से, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट कर लो और इसको अपना जीएल के लिए ट्राई करना अच्छा होगा रहेगा, ठीक है। एवरेज पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर देख पर मैच में यहाँ पर पिछले पाँच से एवरेज पॉइंट्स कितने 69, 81, 69, 81, 53 सब आपको ये भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जीएल के लिए खास कर, ठीक है। बाकी एसएल का टीम तो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर, तो जाओ जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा हमने स्टेट सही से पढ़ लिया, ठीक है। अब गए आते टीम बनाने पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स है और बॉलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको टीम को बनाना है। आप देखिए फ्रेंड्स हमको प्लेयर स्टेट्स निकालना है, हमने यहाँ पर मैच का स्टेट्स तो देख लिया, प्लेयर स्टेट्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में चल रहा है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, किस पर रिस्क ले, किस पर रिस्क नहीं ले, किसको ले, किसको ड्रॉप करें, ये सब दोस्तों लेना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हमारा एस अली, जो कि अब हमको इसका स्टेट्स निकालना है, सिंपल से फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट्स निकल जाएगा सर का सर। भाई इसने चार मैच खेला, कितना इसने पर मैच 46 पॉइंट्स दिया एवरेज, ठीक है। 75% ड्रीम टीम में था, लास्ट मैच में 81 पॉइंट दिया था, उससे पहले देखा जाए 21 पॉइंट, ठीक है, 51 पॉइंट। तो चार मैच भाई 3 बजे ड्रीम टीम में था, तो काफ़ी अच्छी बैट्समैन है, उसने लास्ट मैच में अच्छा भी किया था, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आई जुआक, भाई इसका देखा जाए तो भी काफ़ी अच्छा, 3-4 मैच खेला, 39 पॉइंट दिया पर मैच, थोड़ा सा इसका पॉइंट में कहूँगा कम है, थोड़ा सा कम है। तो एक मैच इसने 82 पॉइंट दिया था, ठीक है, सिलेक्शन 22% था और 13 पॉइंट। भाई ये कुछ खास प्लेयर होता ना रहता नहीं, ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एक हाथी वाला का देखा जाए तो इसने भी चार मैच खेला, 39 पॉइंट दिया, हार्वर्ड ड्रीम टीम में ये था, 100% ड्रीम टीम में था, चार मैच खेला, 4 ओवर ये ड्रीम टीम में था। ओके, ये बेहतर होगा, उससे बेटर आपको एक हाथी वाला बेटर होगा, ठीक है, आई जो के जगह पर, ठीक है, एक हाथी वाला। आते हैं बैट्समैन में, तो एन लाला भाई नो डाउट हम उसको लेंगे, फिर स्टेट्स का देखते हैं हम लोग। भाई एन लाला काफ़ी कमाल के फॉर्म में, जो लगातार रन किए हैं, 89 पॉइंट दिया, 86 पॉइंट दिया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया, तो हम इसको टीम में ले ही लेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस रामाकृष्णन का देखा जाए कुछ खास भाई नहीं, इसने अभी मात्र एक ही बार ड्रीम टीम में थे, बाकी आउट ऑफ फॉर्म गए, इसको आप लोग जीएल में मस्ट पिक, जीएल में ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओ जजाई, जजाई का देखा जाए तो 37 पॉइंट दिया है, ये भी दोस्तों ठीक ठाक है, कभी थे कभी टीम में नहीं थे, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, पार्ट वाइज को ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ए अशोकन का देखा जाए कुछ खास नहीं किया था, उसको एक ही मैच में से ड्रीम टीम में था, इसको ट्राई करना होगा, जीएल में ट्राई करना है, एसएल में बहुत ही रिस्की है, बट मैं इसको ट्राई करूँगा नहीं, ठीक है। मैं एक इसके बाद में के मैंडोन ऐसा आपको जीएल के लिए बढ़िया लगा, तो मैं दो बैट्समैन लेकर चलूँगा, एन लाला और जजाई, ठीक है। आते हैं ऑलराउंडर्स में, तो एस रहमानी का देखा जाए तो रहमानी ने यहाँ पर 68 पॉइंट दिया एवरेज पर मैच में, और लास्ट में इसने 143 पॉइंट दिया, काफ़ी कमाल के बैट्समैन है दोस्तों, ऑलराउंडर है, तो उसको ले ही लेंगे। एस इसने भी काफ़ी अच्छा भाई बैटिंग बॉलिंग किया, नो डाउट हम इसको भी टीम में ले लेंगे। इसने 103 पॉइंट दिया, 80 पॉइंट दिया है, तो बहुत ही बढ़िया है, बैटिंग में दोनों करते हैं, तो उसको भी दोनों टीम में ले लेंगे। एन बालूच का देखा जाए तो बालूच ने भी काफ़ी अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस किया है, इसका भी हम लोग भी टीम इसको ले लेंगे, ठीक है, बालूच को भी। टी जुवाक ये थोड़ा सा भाई रिस्की पिक है, थोड़ा सा रिस्की है, मुझे रिस्की लग रहा है, ठीक है, सिलेक्शन से काफ़ी हाई, लेकिन भाई रिस्की पे मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। एस अहमद ने भाई इसका सिलेक्शन काफ़ी कम था कल के मैच में, यहाँ पर देखा जाए ये वाला मैच मैंने कवर किया था, इसमें 17 पॉइंट था और 19 पॉइंट सिलेक्शन था, तो काफ़ी बट अच्छे किया था, बट फ्रेंड्स उतना अच्छा करने वाला है नहीं, बट इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। एस दाविजी को लूँगा, दाविजी जो कि काफ़ी हमेशा रन कर देते हैं, इसको दाविजी को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, टीम में। अब आते हैं बॉलर्स में, यहाँ पर एन पद्मराजू, इसका देखा जाए तो इसका स्टेट देखते हैं पद्मराजू का, तो इसने भी काफ़ी अच्छा बैटिंग किया है, ठीक ठाक, इसमें 95 पॉइंट दिया है, 26 पॉइंट दिया, ठीक है, तो इसको ले लूँगा, ये खेलेंगे नहीं। एन एक वॉल का देखा जाए, ट्रम्प कार्ड है, कुछ खास नहीं, एक मैच इसने 36 पॉइंट दिया, तो हॉटस्पॉट आया, तो कुछ काम करना ही, पॉइंट्स कम दिए तभी भी, ठीक है। इसके बाद में है एक वाई खान, वाई खान का देखा जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया, भाई इसने एक मैच खेला भाई, काफ़ी अच्छा मौका मिला, तो एन खान को ले ही लेंगे, वाई खान को, सिलेक्शन काफ़ी कम है गाइस, मात्र 35 पॉइंट सिलेक्शन का, इसी को ट्रम्प कार्ड खोजना जरूरी था, ठीक है। इसके बाद में आपको इधर में आते हैं तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, हमें एक और लेना है, तो यहाँ से
इस पोर्टल का देखते कैसे रिकॉर्ड है इसका, इस पोर्टल का इसने एक मतलब 56 पॉइंट्स का जीत दिया था, ठीक है। तो रिस्क की तरह से इसको रिस्क ले पहले, ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो गाइस ये मेरा टीम रेडी है। आप देखिए फ्रेंड्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के देखते हैं। तो कैप्टनसी के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हाई सिलेक्शन किसका है, यहाँ पर हाई है इसको रहमानी का हाई सिलेक्शन है। कैप्टन के लिए वाइस कैप्टन के लिए एस इसका है, ठीक है, और 25% इसका भी है, 40% दावीजी का भी है, ठीक है। तो ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टनसी है। तो आप इन अलावा सेफ है, 40% बिल्कुल सेफ कैप्टनसी का ऑप्शन है, इसको वाइस कैप्टन सेफ के लिए आप जा सकते हो एस रहमानी, जो कि बिल्कुल ही सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन है। तो ये आप इसको आप हेड टू हेड में इस टीम को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हेड टू हेड के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप इजिली हेड टू हेड को विन कर जाओ, ठीक है, इस टीम से। अब देखिए बट फ्रेंड्स मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, हमेशा रिस्क भी लूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं बनाऊंगा कैप्टन आज के मैच में एन बालूच को, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छे करते हैं परफॉर्मेंस एस आलूच को। और फ्रेंड्स बनाऊंगा मैं यहाँ वाइस कैप्टन यहाँ पर एस पटेल, जो कि भाई काफ़ी ट्रम्प कार्ड है, बहुत ही रिस्की प्लेयर है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल गाइस मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन ये होने वाला, आप लोग चाहो तो यहाँ पर एन लाला और यहाँ पर इसको एस को एस रहमानी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, सेफ देना हो तो, ठीक है। बट फ्रेंड्स इवन फाइनल